नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा संथाल परगना के बारे में। और संथाल परगना को मैं आपको डायरेक्ट एकदम मैप के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू ही यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि अंग प्रदेश और अंगिका भाषा का किस तरीके से ये इसके साथ कनेक्शन रहा है। तो आप पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये है बंगाल का बाउंड्री। लगभग इस तरीके से जो बाउंड्री है, ये बंगाल का बाउंड्री है, ठीक है। और ये इधर से ये गंजेस है, मतलब गंगा नदी है, पता ही होगा आपको। और जो संथाल परगना का क्षेत्र जो माना जाता है, वो झारखंड सरकार मानती है ऐसा कि, जैसे कि एक मिनट में मैप को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, तो झारखंड सरकार जो संथाल परगना के मैप को मानती है, वो साहिबगंज से लेकर के गोड्डा, देवघर, जामताड़ा और दुमका और पाकुड़, ये जो है इतना संथाल परगना का जो है वो नक्शा माना जाता है। जिसमें से जो आपको ये दुमका जिला दिख रहा है, इसको संथाल परगना का मतलब एक तरीके से हेडक्वार्टर कह लीजिए, ये माना जाता है। और झारखंड आंदोलन का में भी दुमका जिला का बहुत बड़ा रोल रहा था। और जितने भी बंगाली सब हैं, जितने भी बंगाली हैं, उन्होंने ही बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट किया था। और बिहार को तोड़ने में उन भोंसड़ी वाले बंगालियों का ही बहुत बड़ा हाथ था। तो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे अंगिका भाषा का अंग प्रदेश और संथाल परगना से कैसे कनेक्शन होंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो परगना शब्द है, ये जैसे कि परगना शब्द है, तो इसका जो है वो किस तरीके से कनेक्शन रहा है, मतलब कि ये कौन सा शब्द है। तो दोस्तों, परगना शब्द जो है, ये एक आप कह सकते हैं एक फारसी इन्फ्लुएंस्ड शब्द है, जो कि बंगाल सल्तनत के समय काफ़ी फेमस हुआ। और उसके बाद से फिर संथाल परगना को अंग्रेज़ों ने एक इस बना दिया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि किस किस ज़िले में संथाल परगना में अंगिका भाषा आज मेजोरिटी में बोली जाती है। तो देखिए, मेजोरिटी में साहिबगंज में बोली जाती है, गोड्डा में बोली जाती है, देवघर में बोली जाती है, और थोड़ा बहुत, मैं यहाँ पे झूठ नहीं कह रहा, यहाँ पे मेजोरिटी मानी जाएगी दुमका ज़िला में भी। लेकिन दुमका ज़िला में आपको इसके बराबर में ही संथाली और बंगाली भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन साहिबगंज, गोड्डा और देवघर, इन तीन ज़िलों में एकदम अंगिका फुल मेजोरिटी के साथ में है। अब बात रहती है कि ये जो दो ज़िले हैं, ये जैसे कि आपके दो ज़िले ये रहे, अपना दुमका ज़िला और पाकुड़ ज़िला और जामताड़ा, ठीक है। तो पाकुड़ में क्या है कि यहाँ पे बंगालियों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आके बस गए हैं। खास करके पाकुड़ और दुमका में बांग्लादेशी मुस्लिम या फिर बंगाली मुस्लिम सब आकर के यहाँ पे घुसपैठ करके यहाँ पे काफ़ी पैठ जमा करके बैठे हुए हैं। और झारखंड सरकार जो अभी वर्तमान में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम हितैषी सरकार है, तो इन्होंने भी इनको बसाने में और कभी इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन सच तो ये है कि पाकुड़ और दुमका, ये दोनों धीरे धीरे बंगाली मेजोरिटी बनते जा रहे हैं। और पाकुड़ से जब आप गुजरेंगे, तो कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप संथाल परगना में नहीं, आप बंगाल में आ गए हैं। तो ये है असली वास्तविकता। बात करें दुमका ज़िला की, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो दुमका में आपको संथाली के साथ बंगाली भी मिलेगी। लेकिन अंगिका का जो कनेक्शन है, वो वास्तव में अंग प्रदेश का, जो पूरा आप नक्शा जानते ही हैं कि अंग प्रदेश का पूरा नक्शा कैसा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अंग प्रदेश को जब आप देखेंगे, तो आप जानते हैं कि ये पूर्णिया से लेकर के ये पूरा इस तरीके से
यहाँ पर से लेकर के फिर ये ऐसे करके और इस तरीके से पूरा अंग प्रदेश का नक्शा कहलाता है। ठीक है, उसमें संथाल परगना कौन कौन सा क्षेत्र है मैं ये आपको बता चुका हूँ। अब बात रही कि दुमका ज़िला और जामताड़ा ज़िला, तो दुमका ज़िला में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे संथाली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे संथाली, यहाँ पे बंगाली और जामताड़ा में खोरठा, ये तीन जो अंग प्रदेश के ज़िले हैं यहाँ पे ये तीन भाषाएं, पाकुड़ में बंगाली, दुमका में संथाली और जामताड़ा में खोरठा, ये तीन भाषाएं जो है ये इसको ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पाकुड़ बंगाल के नज़दीक है, दुमका ज़िला जो है वो संथालियों का हमेशा से हेडक्वार्टर रहा है और जामताड़ा जो है वो गिरिडीह के नज़दीक है जो कि मगही क्षेत्र के अंडर आता है। तो यहाँ पे जामताड़ा में पूरे पूरे के पूरे संथाल परगना में खोरठा को इम्पोज नहीं किया जा रहा, केवल जामताड़ा में यहाँ पे आपको खोरठा को झारखंड सरकार इम्पोज करने की कोशिश कर रही है। दुमका ज़िला में संथाली को जब अंग्रेज लाए थे तो वहाँ पर काफ़ी दिनों से वो रह रहे हैं और पाकुड़ तो बंगाल के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे बांग्लादेशी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम काफ़ी दिनों से यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि संथालियों को अंग्रेज़ों ने कब लाया था। तो ये आप देख लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से नक्शा है और जो संथाली और उरांव जो जनजाति थे उनको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड के ही कुछ क्षेत्रों से कुछ बड़ा क्षेत्र हो गया ये इस तरीके का जो क्षेत्र है यहाँ पर के क्षेत्रों से इनको यहाँ लाया गया था संथालियों को। ठीक है, तो संथाली हैं तो एक तरीके से कहा जाए तो ये भी हैं तो पहले से झारखंडी ही, ऐसा नहीं कि झारखंडी नहीं है, हैं ये भी, लेकिन इस क्षेत्र में जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है ये एक मिनट, ये वाला जो अंग प्रदेश का जो नक्शा है ये वाला, इस तरीके से जो अंग प्रदेश का इतना क्षेत्र है यहाँ पे संथालियों को अंग्रेज बसाए थे, तो ये हमेशा से अंग प्रदेश का हिस्सा रहा है, इस पे कभी भी संथालियों का अधिकार नहीं था, लेकिन संथालियों को यहाँ पे लाके बसा दिए अंग्रेज और ये यहीं पे बस गए। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो पहाड़िया जनजाति थी जो कि साहिबगंज और आसपास के इस क्षेत्रों में काफ़ी दिनों तक वो रहते थे, जिनकी जो आज भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको जो है बाद में जब संथाली यहाँ आए तो उनका बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ पहाड़ियों के साथ और फिर संथालियों ने, फिर जब उनको एक संथाल परगना एक अलग आइडेंटिटी मिल गई, नाम मिल गया संथाल परगना, और नहीं तो पहले ये पूरा का पूरा जो संथाल परगना है इसका ये पूरा का पूरा संथाल परगना जो है ये भागलपुर का एक सब डिवीज़न हुआ करता था, मतलब ये पूरे के पूरे संथाल परगना का जो हेड था वो भागलपुर में हुआ करता था। जब झारखंड अलग हो गया तो भागलपुर से ट्रांसफ़र करके उसको दुमका बना दिया गया। तो ये है पूरी कहानी जो कि मैंने आपको बताई संथाल परगना के ऊपर। और संथाल में और ऐसा नहीं है कि आज भी अंगिका जो है वो माइनॉरिटी लैंग्वेज बन गई है संथाल परगना में, संथाल परगना में आज भी अंगिका लैंग्वेज बहुत ही शान से और बहुत ही अच्छे से बोली जाती है। और संथाल परगना का जो तीन ज़िला जो मैंने आपको बताया ये साहिबगंज, गोड्डा और देवघर, यहाँ पे अंगिका फुल मेजोरिटी में है। दुमका ज़िला में सोसो में है और पाकुड़ में थोड़ा आपको अंगिका हो सकता है, लगभग 30-40% ही आपको देखने को मिले। तो पाकुड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बंगाली और जितने आपको पता ही होगा कि बंगाली लोगों का किस तरीके का मेंटेलिटी रहता है और ये किस तरीके की टेंडेंसी रखते हैं बिहारियों के साथ, तो इसलिए अभी वर्तमान समय को देखते हुए पाकुड़ को हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने बचाने की ज़रूरत है और साथ में सारे संथाल परगना को बचाने की ज़रूरत है। और जल्द से जल्द जैसे कि आप बिहार के नक्शे को भी जब देखें तो बिहार का नक्शा देखने पे जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पर गंगा की दूरी कितनी अधिक है, पूरा का पूरा सोन नदी, धीरे 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 ये डिस्टेंस देखिए कितना कम हो जाता है, यहाँ पे ये कितना कम हो जाता है बताइए।
वास्तव में क्या होना था कि अब ये देखिए, ये सिंगल, ये जैसे कि यहाँ पर से देखिए किस तरीके से एक सिंगल लाइन में आ रहा है, तो ये एक तरीके से सिंगल लाइन में तो आना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इतने क्षेत्र को ज़बरदस्ती, क्योंकि वो संथालियों को यहाँ पे लाके बसाए थे, तो संथाली यहाँ पर आकर के बस गए थे उसी समय से। तो चूँकि यहीं पर से दुमका से आंदोलन हो रहा था, तो वहाँ पर से उनको ये कर दिया गया, इसको भी झारखंड में देना पड़ा। उसी तरीके से आप ये देखिए, नेपाल के साथ भी ये है। ये देखिए, ये लाइन जो है सीधे इस यार, ये लाइन जो है, ये जैसे कि यहाँ पर से ये लाइन जो है एकदम सीधे इस तरीके से आनी चाहिए थी, यहाँ पर से एकदम ये सीधे इस तरीके से ये लाइन आनी चाहिए थी यहाँ तक। लेकिन इतना क्षेत्र जो है वो भी अंग्रेज़ों ने 1860 में जो है वो नेपाल को दे दिया। और इतना क्षेत्र, मैं पूरे झारखंड के ऊपर क्लेम कभी नहीं करता हूँ कि पूरा झारखंड नहीं, पूरे बिहार का हमेशा से हिस्सा रहा है, लेकिन इतना जो क्षेत्र है ये तो अंग प्रदेश का हमेशा से रहा है। मतलब कि अंग प्रदेश का, ये पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा झारखंड और उड़ीसा तो बिहार का हिस्सा था ही और है भी, भले ही उनको अलग राज्य का दर्जा मिल गया हो। तो इस तरीके से आप देखिए कि बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों को मार दिया गया है। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि ये जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पर से आप ये देखिए कि भभुआ वाला जो क्षेत्र है, तो ये इस तरीके से मतलब कि लाइन गुजरना चाहिए कि गोरखपुर और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, जैसे कि आपका ये पूरा क्षेत्र है, ये भी जो है बिहार के अंडर होना चाहिए था। और यहाँ पर से इस तरीके से जो पूरा क्षेत्र है, मालदा वाला क्षेत्र, ये भी पूरा बिहार का क्षेत्र होना चाहिए था। लेकिन क्या किया जाए इसमें, अब देखिए कि यहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी इतना क्षेत्र यूपी को दे दिया गया, इतना क्षेत्र जो है, और इतना क्षेत्र नेपाल को दे दिया गया, इतना क्षेत्र बंगाल को दे दिया गया, इतना क्षेत्र जो है वो यहाँ का, इतना क्षेत्र वो जो है संथाल परगना के नाम पे वो झारखंड को दे दिया गया। तो बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों को जो है ऑक्यूपाई करके अगल बगल के राज्यों ने रखा हुआ है। तो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। संथाल परगना और अंग प्रदेश का जो क्या कनेक्शन है वो मैंने आपको बताया। वास्तव में हमेशा से ही संथाल परगना नाम का कोई क्षेत्र था ही नहीं। संथाल परगना जो था भी वास्तव में, तो वो संथाल परगना जो है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्रों में था। इनको ला करके यहाँ बसाया गया है, ये लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। पूरा का पूरा जो अंग प्रदेश है, जो अंग प्रदेश का जो ये है, वो पूरा का पूरा अंग प्रदेश, इतना बड़ा वो अंग प्रदेश का क्षेत्र है। और अंग प्रदेश को हम लोगों का बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है एक नया राज्य का स्टेटस दिलवाने का। हम लोग बिहार के साथ खुश हैं, और जल्द ही संथाल परगना का जो ये एक मिथिकल नेम है, इसको ख़त्म करके अंग प्रदेश के अंदर इसको फुल्ली मर्ज कर दिया जाएगा। और ख़ास करके ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये तो हम लोग, ये तो बिहार का हिस्सा है ही, भले ही यूपी से हम लोग इस हिस्से को ना लें, क्योंकि यूपी एक ब्रदर स्टेट ही है बिहार का, लेकिन इतना हिस्सा नेपाल से जो है वो तो लेना ही लेना है, और इतना हिस्सा संथाल परगना से वो तो लेना ही लेना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, जय अंगिका भाषा, जय बिहार, जय हिंद।